सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं हूँ तिबलिसी में और मैं वेट कर रहा हूँ अपनी टैक्सी के लिए, मैंने जो कि बोल्ट से ऑर्डर करी है। और मैं जा रहा हूँ आज रशिया। तो गाइस, जो मेरा रशिया का वीज़ा था वो मैंने अप्लाई करा यहीं से और ऑनलाइन अप्लाई करा है। और रशिया का जो है ई वीज़ा होता है। और अब मेरे को 7 बजे मेरी जो है बस है और वो जाती है व्लादकी कावकाज, और उसके लिए मैं वेट करूँगा वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए। और देखते हैं गाइस आगे का क्या होता है क्या नहीं, और आपको आगे व्लॉग में बताता हूँ। तो गाइस यही बस है जो कि जाएगी व्लादिकावकास, और अभी बजे हैं 6:30 और मतलब मैं जल्दी आ गया हूँ और बस खड़ी है यहीं पे। तो गाइस 6:35 हो गया और बस खड़ी है यहीं पे। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जहाँ में मैं हॉस्टल में था तो मेरे साथ एक लड़का था, शायद शायद आप मेरे इंस्टाग्राम पे उसे देख सकते होंगे अगर अगर मुझे जानते। वैसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं, अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो आपकी हेल्प ज़रूर कर देते हैं। और हर कंट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, पर मुझे अभी तक इस कंट्री में जो है अच्छे लोग मिले हैं। और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो शायद मैं जब इंडिया या कहीं और किसी कंट्री में जाऊंगा और वहाँ का व्लॉग बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था सीन क्या नहीं। बाकी अभी मैं उसे सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ। और आपको बता देता हूँ कि जो साइद था लड़का, उसने मेरी हेल्प करी मुझे बुकिंग करवाने में, क्योंकि क्या था कि किसी भी मतलब booking.com से या हॉस्टल वर्ड से कहीं से भी ना रशिया के अंदर का कुछ भी मतलब होटल या हॉस्टल बुक करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी पर मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं मिली थी। तो अब मुझे ये लड़का मिला रशिया से है जो कि यहाँ काम कर रहा है, और उसने हेल्प करी। उसने कहा कि ओस्त्रोवोक नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो और उसके अंदर आप किसी भी जगह का मतलब किसी भी सिटी का आप हॉस्टल या होटल बुक कर सकते हो। तब मैंने बुक करा था उस टाइम, मतलब जिस टाइम मैंने अप्लाई करना था। तो उस टाइम मैंने 2000 के अंदर मतलब सिर्फ 3 दिन का जो था ना, 3 नाइट्स का जो था होटल बुक करा था। अब वीज़ा आ गया पर मैं जा रहा हूँ पहले। और आज का दिन है भाई 15 फरवरी। तो भाई अपने हरियाणा में जो कि है हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है जो कि किसानों का, और शायद उसके कारण जो है बैंक की स्थिति में कुछ कमी आई है जिसके कारण मेरे को ना OTP नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी चीज़ बुक कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, अभी इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास। तो भाई इंश्योरेंस तो नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो मुझे यहाँ पे भी इंश्योरेंस के बिना मतलब जॉर्जिया में आने दे दिया था, बाकी आगे रशिया में देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं। मेन वीज़ा ही होता है, बाकी जो भी होता है भाई एक्सपीरियंस आपको बताते हैं आगे। और बस का मतलब सफ़र कैसा होगा वो भी आप देख लेना, और मिलते हैं आगे व्लॉग में।
गाइस अभी मैं हूँ जॉर्जिया के बॉर्डर पे, और जॉर्जिया का जो मेरा चेक पॉइंट है वहाँ से मैं क्लियर हो चुका हूँ और अब जा रहे हैं रशिया की तरफ। और कोई सवाल जवाब ज़्यादा पूछा नहीं है, बाकी मिलते हैं आगे। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं रशिया में, और आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कस्टम में बिठा लिया गया था। तो उन्होंने पूछा कि पहली बार जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, टूरिस्ट हो, तो दो चार सवाल पूछ के मुझे मतलब कैबिन में बिठा लिया। तो कम से कम मेरे ख्याल से आधे से पौना घंटा उन्होंने लगाया भाई। और उसके बाद जो मेरा ड्राइवर था ना भाई, ड्राइवर सबसे अच्छा निकला मेरा। वो बेचारा वेट करता रहा मेरा कि मैं आऊँगा और मुझे साथ लेके जाएगा, और वो वेट कर रहा था। और बंदे ने स्टैंप मारी और मैं आ गया भाई। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला जब आखिरी में उसने कहा वेलकम टू रशिया। तो देखते हैं भाई आगे क्या। और ये अभी हम जा रहे हैं व्लादिकावकास की तरफ, व्लादिकावकास। तो प्रोनाउंसिएशन मेरी सही नहीं है, तो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ वहाँ पे क्या है क्या नहीं, और पहुँचने के बाद आपको बताता क्या है क्या नहीं। और कुछ इस तरीके की स्टैंप है भाई, स्टैंप दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये भाई स्टैंप लगी है अपने पे। तो गाइस दुनिया के सबसे बड़े देश और सबसे ठंडे देश में आपका स्वागत है, और मैं पहुंच चुका हूं अब रशिया के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हो मैं उस टाइम व्लादिवास्काम में, व्लादिवास्काम जो भी है यार, मैं आपको बाद में बता दूंगा। और जैसा कि आप पीछे देख सकते हो भाई, फीलिंग पूरी है ठंडा, मतलब उतना ही है। पर भाई जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ना, और अभी अभी जब मैं उतरा हूँ तो यहाँ पे ट्रैम चल रही है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड खरीदने, तो मेरे सामने एक शॉप है आयरन फोन के नाम से, तो यहाँ से खरीदते हैं भाई सिम कार्ड। और ये है भाई शॉप, चल के देखते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह के मेमोरी कार्ड मिल रहे हैं, मेगा फोई इन गाइस से। तो देखते हैं क्या सस्ता पैक मिलेगा। तो 400 रूबल का मतलब बता रहे हैं, ये एक हफ्ते का पैक होगा मेरा। तो भाई देखते हैं कौन सा लेना कौन सा नहीं। तो भाई गाइस अपना चल चुका है अब इंटरनेट, और इस इंटरनेट के लिए भाई पे करें हमने अनलिमिटेड है मेरे ख्याल से एक हफ्ते के लिए, और 400 रूबल पे करें हैं। तो इंडिया के भाई 350 रुपये बन जाते हैं, जो कि भाई बहुत सही है यार प्राइस से। गला ही बैठ गया यार मेरा तो भाई इससे ज़्यादा तो भाई क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रशिया में। और भाई थोड़ा सा व्यू देखो आप यहाँ का, ये देखो यार। और ये मेन रोड है भाई यहाँ की जहाँ पर मैं उतरा हूँ। और एक हॉस्टल मैंने देखा है, एक हॉस्टल मैंने देखा अभी यार इंटरनेट पे देखा था, तो उसका प्राइस मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा। तो मैं उधर ही जा रहा हूँ अभी, और दिखाते हैं भाई आपको कैसा है कैसा नहीं। और भाई रशिया में वेलकम मैं, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं रशिया के जैसे ही बॉर्डर पे आया हूँ, मतलब जब जॉर्जिया से निकला था, जॉर्जिया के जो बॉर्डर कंट्रोल था उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, स्टैंप लगाई भेज दिया। अब रशिया तक पहुँचा हूँ, रशिया के बॉर्डर कंट्रोल ने मुझे बिठा लिया भाई। पूछा कुछ नहीं, पूछे भी दो चार बेफालतू के सवाल पूछे कि भाई आप क्यों आए हो, मैं कहा टूरिज्म। तो भाई कि पहले क्यों नहीं आए, मैं कहा पहले कैसे आता, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ही क्यों है। तो मतलब बेहुदा से सवाल पूछे थोड़े बहुत, पर मैं भी चुप रहा यार इस जगह पे। तो अगलों ने आधा पौना घंटा बिठाया मुझे, उसके बाद मुझे कहते वेलकम टू रशिया, स्टैम्प मार के कह दे जाओ भाई। ठीक है चलो, जो भी थोड़ा बहुत टाइम उन्होंने खराब करा, पर
सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेरा बस ड्राइवर था भाई, वो बंदा वो बाहर वेट कर रहा था हमारी, और शायद वो थोड़ी देर वेट करते हैं शायद वो, पर उन्होंने बड़ा साथ दिया भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और उनको मैं भाई वीडियो में ला नहीं सका क्योंकि जल्दबाजी में थे हम, क्योंकि मेरे लेट होने की वजह से। और बाकी भाई आगे दिखाते हैं आपको ये शहर व्लादी कावकास, आपकी बार मैंने शायद सही बोला, व्लादी कावकास। हाँ, और ये देख सकते हो भाई आप, ओ भाई जन्नत ही है। आपको मिलते हैं भाई आगे व्लॉग में।